इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आ रही तकनीकी समस्याओं की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ITR फिलिंग डेडलाइन, आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक करें फाइल, यानी कि अब आप 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस खबर में आगे लिखा गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने गुरुवार को आंकलन वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले महीने CBDT ने आयकर रिटर्न ITR को बढ़ा दिया था। CBDT ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मालूम हो कि नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों और अन्य समस्याओं की वजह से ITR फाइल करने में दिक्कत हो रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर पोर्टल बनाने वाली कंपनी इंफोसिस को सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए 15 सितंबर 2021 तक का समय दिया है। अभी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, यानी कि अभी तक जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो अंतिम लास्ट डेट थी वो थी 30 सितंबर। आमतौर पर ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर और उसके बाद नए पोर्टल पर आयकर रिटर्न दाखिल करने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने दूसरी बार समय सीमा बढ़ाई है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में बताया कि करदाता को टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कतें हो रही हैं, कोरोना की वजह से भी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि धीरे धीरे ये समस्या दूर हो रही है और रिटर्न दाखिल करने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ITR के लिए इस साल 7 जून को नया पोर्टल लॉन्च किया गया था, हालांकि इसकी तकनीकी दिक्कतें पूरी तरह अभी भी ठीक नहीं हो रही हैं। देखिए, जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अभी तक क्या था, शुरुआत में जब भी आप अपने पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड से लॉगिन होते थे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जितने पेजेस भरने होते थे वो सारे ब्लैंक होते थे, आपको मैन्युअली सारी चीजें भरनी होती थी। लेकिन अब पोर्टल थोड़ा सा अपडेट हो गया है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जितना भी आपका गेन है, जितना भी डिडक्शन है, वो सभी ऑटोमेटिक फिल आ रहा है, और अगर कहीं थोड़ी बहुत गलती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ तकनीकी समस्याएं थी जो उम्मीद करते हैं कि 15 सितंबर तक पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। तो अब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई यह आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।